आप सब जानना चाहते हैं ना मैं बचे हुए स्टॉक का क्या करूंगी। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। नमस्ते। ठीक हूँ मैं, अब उतनी परेशानी नहीं है। बहुत सारे रास्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जिस वजह से मन में तसल्ली है। आप सब जानना चाहते हैं मैं बचे हुए इतने सारे स्टॉक का क्या करूँगी। मैं स्टॉक भी दिखा देती हूँ आपको। पीछे देख लीजिए एग्जाम्पल, वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, इधर भी है, स्लेट आइटम है। मैं प्रॉपर नहीं दिखाना चाहती। किसी ने मुझे कमेंट करा था कि वो टैम्प्ड लगता है, उन मतलब माउथ वाटरिंग लगता है, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहती कंप्लीट। उसी रूम में बैठी हूँ मैं, ऑनलाइन नहीं खा रही हूँ, ये बात सच है, लेकिन ऑफलाइन मैं बचपन से खाती हूँ। मुझे क्रेविंग होती है, मुझे क्रेविंग इशू है। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर दूँ, मैंने पहले भी आधी बात बताई थी, मैं अभी भी एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने आधी बात बताई थी, पूरी नहीं बताई थी, लेकिन जो आधी बताई थी वो भी सच ही बताई थी। मुझे क्रेविंग होती है और मैं बचपन से खाती हूँ, जिस वजह से मैं फ़िलहाल भी खा ही रही हूँ। जितना भी मेरे पास स्टॉक है मैं सारा का सारा ऑफलाइन खाऊंगी। मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज़ को खा के, क्रंच करके। मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर मैं ये नहीं भी करती हूँ, इसको इग्नोर करने की भी कोशिश करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, ऑफलाइन वाली में, तो मुझे अजीब सा होता है, चिड़चिड़ापन सा होता है, मतलब नेचर बिहेवियर सा बदल जाता है। ऐसा मन करता है किसी से बात ना करूँ, चुपचाप बैठ जाऊँ, और बस ऐसा मन करता है लड़ लूँ किसी से। कोई मेरे से आकर दो बात करे तो मुझे उस पर डबल गुस्सा आता है, चाहे वो अपनी जगह सही भी हो। मुझे बाद में एहसास होता है इस बात का, लेकिन पता नहीं क्यों होता है, मैं नहीं जानती। तो मुझे बहुत क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैं उसको ऑफलाइन खाऊंगी, मैं ऑफलाइन कंटिन्यू करूंगी। जो मेरा बचा हुआ सारा स्टॉक है, सारा का सारा मैं रीअरेंज कर दूंगी। क्लीनिंग वीडियो भी आपको इस स्टॉक से मिलेगी। जो भी मैं क्लीन कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, क्लीनिंग वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगी जितनी बेस्ट मेरे से हो सकेंगी, क्योंकि मैंने सारा स्टॉक क्लीन कर रखा है। लेकिन जितना भी अवेलेबल है मैं करती हूँ, मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पॉसिबल हो सकेगा। तो क्लीनिंग वीडियो आपको अभी भी प्रॉपर ही मिलेंगी, जिस वजह से आपको पता चल जाएगा मैं खा रही हूँ कि छोड़ रही हूँ। बट मैं खाती हूँ, मैं ऑफलाइन खाती हूँ, बिलीव करें ना करें वो आपकी इच्छा है। मैं एक्सप्लेनेशन दे दे के थक गई हूँ, बट मैं फिर भी कहती हूँ कि मैं ऑफलाइन खा रही हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं खा रही हूँ, जिस वजह से ये सारा स्टॉक मेरे काम आएगा। ये स्टॉक में बिल्कुल भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए ये बहुत टेस्टी चीज़ है जो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देती है, अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को संभाल के रखने वाली हूँ। मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये मेरा पैसा है, और मैं एक भी चीज़ वेस्ट या इधर उधर नहीं करने वाली। मैं ब्रोकन भी नहीं फेंकती हूँ, आप सब जानते हैं वो, इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये सारा स्टॉक मैं ऑफलाइन खाने वाली हूँ, एक साथ नहीं खाने वाली, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, एक साथ नहीं खाने वाली। वही जो मेरी हैबिट है, थोड़ा थोड़ा खाने के बाद मुझे चाहिए होता है, तो बस वही वाला प्रोसेस होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। और मैं पिछले दो तीन दिन मैं परेशान रही थी, और मैंने बहुत खाया है, भर के इतना खाया है, बहुत ज़्यादा, जिसमें मुझे ब्लैक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ब्लैक मैंने बहुत खाया है, भर भर के। वाइट किटकैट मेरे पास जितनी थी ना, वो मैंने सारी खा ली। सिर्फ एक सिंगल किटकैट मेरे पास बची है, मैंने सारी किटकैट खा ली, या फिर जो ब्रोकन है वो बची है। मेरे पास कोई सिंगल शेप वाली किटकैट नहीं बची, मैंने सारी खा ली। इतना मुझे क्रेविंग हो रही थी, ऐसा मन कर रहा था इस रूम से बाहर ही ना निकलूँ, खाती रहूँ, ऐसा महसूस मुझे हो रहा था। कभी कभी होता है, शायद टेंशन की वजह से भी होता है, शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी किसी से पूछा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, जो हो जा रहा है। तो मैं इस सारे स्टॉक को ऑफलाइन खाने वाली हूँ। सो डन, स्टॉक नहीं दिखा सकती। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।